हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम और दोनों सिस्टर्स, मेरी बड़ी वाली और मेरा ये छोटा वाला बाबू जो पहले से रेडी है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बुम बुम में। कहाँ आज हम लोग जा रहे हैं? मूवी देखने। तो अभी हम लोग टिकट वगैरह कुछ लिए नहीं है। आज सोचे कि चलो आज हम लोग बुक माई शो से नहीं टिकट बुक करते हैं, डायरेक्टली बुक करते हैं चल के। तो 3:30 की तो मूवी है, 3:30 PM की है। बाकी अभी हम लोग रेडी हो जाएंगे, फिर उसके बाद निकलते हैं, फिर मूवी देखेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर वापस घर आ जाएंगे। बहुत दिन भी हो गया था और अब हम लोग हो गए रेडी और फिर जा रहे हैं देखने मूवी। इनको देखो, इनको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। बाबू बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा। इनको रास्ते पे से ही हम लोग इनकी कैब भूल गए तो इनको स्टॉल उड़ाया गया है और स्टॉल उतारने के लिए ये मना कर रहे हैं। बाकी लोग पहुंच चुके हैं, अभी लिफ्ट में हैं 5th फ्लोर पे और पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। अब टिकट वगैरह ले लेते हैं। अब हम लोग वेट कर रहे हैं मूवी का। अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब ये 3:30 वाला शो। बाकी पॉपकॉर्न ले लिए हैं, खा ले। हम लोग देख चुके मूवी, अच्छी थी मूवी, मज़ा आया। अब जा रहा है बाबू फिर अपनी बुम बुम पे, मिल गई इसको कार, जा रहा है उस पर एंजॉय करने। ओए बाबू, हम भी आए, हम आए। कहाँ बैठेंगे? वहाँ बैठ जाएंगे तुम्हारे पास। अरे मेरा बच्चा, ओ, ये देखो। फिर मूवी देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं घर। वहाँ फूड कोर्ट तो बंद था तो कुछ खा नहीं पाए, सिर्फ वहाँ मूवी देखते टाइम उसके पहले हम लोग पॉपकॉर्न ले लिए थे। पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न था और पानी की एक बोतल थी जो हमारे टिकट में ही इंक्लूड था। और अब घर आके जा रहे हैं, पहले सबसे पहले जाएंगे चाय पियेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मम्मी बनाई थी आज मैगी, और मम्मी मैगी बनाती है अपने बस बेटे को खिला देती है, हम लोग को पूछती रखना ही है ना। और एक्सपेरिमेंट की थी, पता नहीं उसमें कौन कौन सा मसाला डाले थे, पता नहीं क्या डाले थे। हाँ, हम डाले थे, था ही नहीं मसाला, हम क्या कैसे बनाए। तो पानी रख दिए कढ़ाई में, दिमाग लगाए हम के अब हम क्या बना के इतनी जल्दी में दें। हाँ, तो फिर पास्ता खोले अलमारी, उसमें देखे उसमें कि रखा था पास्ता मसाला, पास्ता मसाला डाले, थोड़ा सा पास्ता मसाला डाले, हल्का सा नमक डाले और फिर ढूंढने लगे तो देखे वो ग्रेवी बनाने के लिए मछली मसाला रखा नहीं है, वो डाल दिए थोड़ा सा, और भी कोई मसाला डाल, दो मसाला, घर का जितना मसाला था सब डाल देना चाहिए था। डाल करके खोला दिए पानी, मैगी डाल दिए, बना लिए। फिर हम सोचे कि पता नहीं टेस्ट अच्छा है कि नहीं, तो हम कह आराधना थोड़ा खा लो बेटा, खा के बताओ टेस्ट, नहीं तो भैया चिल्लाएगा, कहेगा कि कैसा बना बना के दी हो। आराधना खाई, कही मम्मी बहुत अच्छा बना, एकदम अलग टाइप का, बहुत टेस्टी बना है।
लेकिन मम्मी हम लोग के लिए नहीं रखी, बस भैया को दे दी, आराधना को दे दी, काम खत्म। तो तुम लोग पिक्चर देखने या तो जाओ या तो मैगी खा लो। जो घर पे नहीं था उसको कोई इज्जत भी नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मैगी खत्म भी हो चुकी, मैगी बची भी नहीं है। तो आ जाएगी मैगी, दुकान से मंगा देंगे। मंगा के बना के खिला लो, हम जाने वैसे ही पास्ता वाला, हाँ, मसाले वाला जैसा भी, बस कल बना देंगे। ठीक, अभी बढ़िया से मंगा लेंगे मैगी। ठीक, खा के देखना कैसा बना है। आज के डिनर में है ये पुलाव, ये जीरा राइस पुलाव है ना, प्याज वाला। अच्छा, इसमें अनियन भी है, प्याज भी है और काजू है, खड़ा मसाला है। बढ़िया बढ़िया है। इसमें है कटहल की सब्जी, ये कटहल मटर, मतलब इस सीजन में पहली बार हम लोग कटहल अब खाने जा रहे हैं आज। वाओ, कटहल तो सबको अब बहुत अच्छी लगती है, एकदम गरम गरम, एकदम भाप निकल रहा है। और ये है रोटी, देशी घी लगाई हुई रोटी। तो बढ़िया सा खाना बना है, कटहल की सब्जी, जो इस सीजन में पहली बार कटहल मेरे घर बना है, कटहल और मटर। अब तो बस कटहल स्टार्ट हो गया, अब बनता ही रहेगा, जब तक कटहल आएगा तब तक हफ्ते में 2-3 दिन तो बन ही जाएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं फिर खाना खाने, फिर मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय।